तो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत बड़े नेता के बारे में, जिसके बारे में आपको कल बताया था ना, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, हमारे पास एक चित्र है, ये किसका चित्र है? बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में हम लोग ने कल पढ़ा था ना। हाँ तो अभी चेक करें तुम लोगों को कितना याद है। हाँ हाँ अच्छा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म पता है ना आपको, 1856 में महाराष्ट्र के कोंकण जिले में रत्नागिरी नामक जगह पर हुआ था, यही बताया था ना। हाँ और इनके पिताजी का नाम था गंगाधर राव, और इनके बचपन का नाम क्या था? केशव। लेकिन सब लोग इन्हें क्या बुलाते थे? बाल बाल। और बाद में चलकर बाल नाम ही इतना प्रसिद्ध हो गया कि सब लोग इनको बाल कहकर ही पुकारने लगे, और इनका नाम बाल गंगाधर तिलक बन गया। और आपको पता है, ये बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि के। इस विषय पर एक कहानी भी कल बताई थी ना, जो पाठ में थी, किसी को याद है? जल्दी बताइए। हाँ तो बताइए। कक्षा जो हाँ, एक बार क्लास में जब क्लास हाँ में एक बच्चे ने अध्यापक ने बोला था कि हम तुम्हें क्या हुआ था, कोई और बताएगा? एक बार सब क्लास में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का टीचर परीक्षा ले रही थी, शिक्षक आए थे है ना, क्या दिया था उन्होंने? प्रश्न हल कौन से करने प्रश्न थे? मैथ्स के मैथ्स यानी गणित सभी विषय के कुछ दिए थे। तो सब बच्चे क्या करने लगे? सभी 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 बच्चे हल करने लगे। सिर्फ एक बच्चा हल नहीं, चुपचाप बैठा हुआ था। टीचर जाकर टीचर ने पूछा तो क्या टीचर ने बताया उस पूछा बच्चे ने? तो उस बच्चे ने बोला कि मैंने सारे 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 जितने भी आपके सवाल थे उनको हल कर लिया। तो मैंने टीचर ने सारे क्या पूछा? सवाल ने को हल तो कर टीचर ने दिया, क्या पूछा कि तो कहाँ हल किया? कहाँ हल किया, तो उसने क्या जवाब दिया था? तो उसने कहा था कि मैंने उसे अपने दिमाग में हल कर लिया था। हाँ, उसने क्या जवाब दिया था कि मैंने सब कुछ अपने दिमाग में, मस्तिष्क में ही हल कर लिया, बिल्कुल बिना लिखे सब कुछ फटाफट। तो इसीलिए वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत प्रतिभावान थे, और उन्होंने बहुत मतलब ग्रेजुएशन किया, बीए की डिग्री प्राप्त की, फिर उन्होंने वकालत पढ़ी और फिर वकील बन गए। उनका मानना था कि शिक्षा जो है वो देश की प्रगति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। और वो ये भी मानते थे कि पत्र पत्रिकाएं भी उसमें सहयोग करती है। उन्होंने दो पत्र पत्रिकाएं जो है वो निकाली थी, एक का नाम था केसरी और एक थी मराठा, है ना। और ये जो है बहुत ही ज्यादा इन्होंने देश के लिए काम किया, और इन्हें लोग प्यार से, आदर से, सम्मान से किस नाम से पुकारते थे? बाल बाल गंगाधर गंगाधर तिलक तिलक बाल गंगाधर राव, क्या नाम था बाल उनका? बाल गंगाधर राव। और आदर से इनको कहते थे लोकमान्य, है ना। तो चलो अब देखिए इस पाठ में तुम्हें कितना याद हुआ है। पहले कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। तल्लीन का अर्थ होता है पूरी तरह लगा लगा हुआ। प्रतिभा का अर्थ होता है योग्यता। रुष्ट का अर्थ होता है नाराज। कुरीति का अर्थ होता है बुरी प्रथा। कुरीति, रीति माने होती है प्रथा, तरीका, कु माने बुरा, तो बुरी प्रथा। निष्ठा का मतलब होता है विश्वास, श्रद्धा। मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। कुशाग्र मतलब तीव्र, तीव्र, तभी कहते हैं ना कुशाग्र बुद्धि के थे। जन्म सिद्ध मतलब जन्म से, जन्म और विद्वता माने ज्ञान। बहुत अच्छे बच्चों, तो आपको शब्दों के अर्थ तो पता है, कठिन शब्दों के अर्थ। और अब हम बताते हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जो इस पाठ से संबंधित है। आपको पता है दो लिंग होती है हिंदी में, एक होती है पुल्लिंग, एक एक होती होती है है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो आइए इन शब्दों के स्त्रीलिंग आपसे पूछते हैं। आप सबसे पहले आप बताएंगी लेखक की स्त्रीलिंग, लेखिका। आप बताइए शिक्षक की स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? शिक्षिका। ठीक है, बालक का क्या बन जाएगा बेटे? बालका। बालिका, वेरी गुड। नायक का? नायिका। गायक का? गायिका। पाठक का? पाठिका। साधक का? साधिका। और वादक का? वादिका। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पाठ समझ में आ गया इसका मतलब। और अब हम लोग इसके आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। आप सबको पता है ना कि जब किसी भी शब्द के बाद कोई
शब्दांश जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय। जैसे स्वतंत्र शब्द में ता जोड़ने से बन जाता है स्वतंत्रता, इसी प्रकार जो ये कुछ शब्द दिए गए हैं इनमें ता प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, अब बताइए निर्धन में जब ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मानव में ता जोड़ेंगे तो मानवता, सज्जन में ता जोड़ेंगे सज्जनता, उदार उदारता, निर्बल निर्बलता, दानव दानवता, कायर कायरता। बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, और ये जोड़ने से ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछेंगे जिससे जानेंगे कि आपको पाठ कितना समझ में आया। ठीक है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने प्रश्नों का उत्तर कैसे हल किया आप बताएंगे? अपने हाँ कोई भी बताइए। मौखिक रूप से। मौखिक रूप से दिमाग में ही उन्होंने हल कर लिया था ना, मौखिक रूप से हल कर लिया था। तिलक के नाम के साथ लोकमान्य क्यों जुड़ गया? हाँ बताइए जी। क्योंकि व्यक्ति उनके कार्य और उनके कार्य और उनके विचारों से हाँ बताइए। बाल गंगाधर को लोकमान्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके कार्य और विचार लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, इसी वजह से उनको लोकमान्य कहा जाता था। बिल्कुल सही। लोक माने संसार, दुनिया। मान्य माने सब में सम्माननीय, संसार में सम्माननीय। तो लोक मान्य क्यों कहते थे? क्योंकि उनके विचार और कार्य लोगों को बहुत पसंद आते थे, उनका लोग बहुत आदर करते थे, इसलिए उनको लोक मान्य का विशेषण या उपाधि दी गई थी, है ना? लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ बिल्कुल, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और कहते थे वो इसे हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल सही बच्चों। पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? कैसे थे वो? कुशाग्र बुद्धि के थे। बिल्कुल ठीक। प्रतिभावान थे। हाँ। और एवं समाजवादी थे। समाज सेवी का मतलब होता है समाज की सेवा करने वाले। उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों के विरुद्ध में बहुत सारी आवाज लगाई, जैसे कि वो स्त्री शिक्षा के लिए काम करते थे, बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगाने के लिए काम किया, जितनी कुरीतियाँ थी उन्हें दूर करने के लिए कोशिश करते थे, इसलिए उनको क्या कहते थे? समाज सेवी, है ना? और बहुत बड़े वो देशभक्त भी थे, देश के लिए वो कई बार जेल भी गए और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। तो बहुत ही ज़्यादा विद्वान, कुशाग्र बुद्धि के, प्रतिभावान, देशभक्त थे, है ना? तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना? हाँ, हाँ। तो आप इसको और अभ्यास कीजिए, जहाँ पे अभी आप अटक रहे हैं या जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है उनका भी आप अभ्यास कीजिए और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले पाठ के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे।